आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के परिपथ नियम का संशोधन समीकरण हमें लिखना है। तो दोस्तों मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक परिपथ बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा परिपथ हो गया, ये संधारित्र है हमारा और यहाँ पे मैंने एक ऊर्जा स्रोत लगाया प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, जो धारा की दिशा होती है वो बार बार बदलती रहती है। तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो ऐसे बदलती रहेगी। तो धारा की दिशा एक बार इस तरफ आएगी, एक बार इस तरफ आएगी। तो अब मान लो कि यहाँ पे मैंने तीन बिंदु ले लिए, ए बी और सी। तो अब हुआ क्या कि जब मैक्सवेल ने देखा था कि यहाँ पे ए बी और सी तीनों ही जगह पे चुंबकीय क्षेत्र था, उन्होंने कंपास की मदद से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि माना कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का कारण हो सकता है कि इसमें धारा है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यहाँ पर भी धारा है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई धारा है नहीं, उसकी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हो रहा है। तो उन्होंने संशोधन के द्वारा पाया कि यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो उसका कारण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा की मतलब कि त्वरित आवेश होता है। प्रत्यावर्ती धारा में त्वरित आवेश हुआ, त्वरित आवेश के कारण एक त्वरित परिवर्तनशील चुंबक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से यहाँ पे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे परिवर्तनशील, तो यहाँ पर जब परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे एक विस्थापन धारा भी उत्पन्न हुई, विस्थापन धारा। तो सामान्यतः हम किससे लिखते हैं, एम्पियर के लॉ से। एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, एम्पियर परिपथ नियम, परिपथ नियम वो कहता है कि अगर यहाँ पर बिंदु ए पर देखूँ तो यहाँ पर जो समाकलन होगा बी डॉट डी एल का, वो किसके बराबर होगा, म्यू नोट और आई इसमें धारा बहने वाली उसके बराबर। लेकिन यहाँ पर जब पाया कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई के बराबर होता है, तो उन्होंने मैक्सवेल में इसमें संशोधन किया और उन्होंने समीकरण क्या दी, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई प्लस का एक विस्थापन धारा भी उत्पन्न हुई थी। किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र की वजह से। उसे इसने नाम दिया, इन्होंने नाम दिया आई डी। तो यह आई डी का मान कितना होता है, आई डी का मान आई डी बराबर विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो अगर यहाँ पे परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है तो उसकी वजह से आई डी का मान कैसे लिख सकते हैं हम, डी फाई ई बटा डी टी, परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो आई डी को हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो समीकरण एक और समीकरण दो को संयोग में करने पर क्या बनता है, ये समीकरण एक होगी है और ये समीकरण दो मान ली है। तो इन दोनों का युग्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई जो कि इसमें बह रही थी आई धारा, और यहाँ पे आई डी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस समीकरण से एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बटा डी टी। और दोस्तों ये ही एम्पियर परिपथ नियम का संशोधित समीकरण था जिसको मैक्सवेल ने संशोधित किया था, कैसे, विस्थापन धारा के द्वारा। यहाँ पर विस्थापन धारा और ऐड कर दी थी, जोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये संशोधित हुई। तो इसे लिखते हैं मैक्सवेल एम्पियर संशोधित समीकरण। और दोस्तों यही समीकरण हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।